जेल में चल रही थी रामलीला। सीढ़ी लगाकर फरार हो गए दो कैदी। हरिद्वार जेल में रामलीला चल रही थी। सभी पुलिसकर्मी और कैदी आराम से रामलीला देख रहे थे। भगवान राम अपनी सेना के साथ माता सीता की खोज में निकले थे। तभी इसी दौरान दो वानर रूपी कैदी सीढ़ी लगाकर दीवार फांद कर भाग निकले। हैरानी की बात तो ये है कि कैदी जेल से भाग गए और इसकी भनक किसी को नहीं लगी। हर रोज की तरह रात के समय जब सभी कैदियों की गिनती की गई तो गिनती में दो कैदियों की कमी होने का पता चला, जिसके बाद पूरी जेल को खंगाला गया। उसके बाद सीसीटीवी कैमरे को खंगाला गया। कैदियों से पूछताछ की गई। कैदियों से पूछताछ में पता चला कि ये दोनों कैदी सीढ़ी लगाकर जेल से फरार हो गए हैं। तस्वीरों में दिख रहे ये वही दो कैदी हैं जो हरिद्वार के जेल से फरार हो गए। दरअसल हरिद्वार जेल में इन दिनों रामलीला चल रही थी, साथ ही जेल में हाई सिक्योरिटी बैरक का निर्माण कार्य भी चल रहा था। ऐसे में सीढ़ी वहां पर रखी रह गई। इन दोनों को पहले से ही पता था कि निर्माण कार्य के लिए सीढ़ी लाई गई है, जिसका फायदा इन दोनों कैदियों ने उठाया और वो जेल से फरार हो गए। फरार हुए दोनों कैदी जघन्य अपराधों के दोषी हैं। ऐसे में अब जेल प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। सर, आपने निरीक्षण किया है, क्या पाया था पूरे मामले में? दोस्त बंदी हैं। एक पंकज है जो रूपी का रहने वाला था, हत्या के केस में दोस्त था, और दूसरा जो था वो एक राम कुमार था जो गोंडा का रहने वाला है, और ये अपहरण और फिरौती के मामले में दोष सिद्ध था। ये दोनों कल यहाँ से पलायन कर गए हैं और लोगों ने निरीक्षण किया हमने कप्तान साहब ने, तो इसमें ये पाया गया है कि जेल प्रशासन की लापरवाही है। अंदर एक निर्माण कार्य चल रहा है, वहाँ पर एक सीढ़ी पड़ी हुई थी, तो वो सीढ़ी का यूज किया इन लोगों ने, और अंदर रामलीला भी चल रही थी, तो जो इनके वरिष्ठ अधिकारी थे वो सब लोग रामलीला में बिजी थे। इनके जो होमगार्ड वगैरह ड्यूटी पे थे वो भी रामलीला में बिजी थे, तो उसका मौके का फायदा उठाते हुए उन लोगों ने सीढ़ी का और अपने कपड़ों का यूज किया और दोनों यहाँ से फरार हो गए। जेल से फरार दोनों कैदी वाल्मीकि गैंग के सदस्य बताए जा रहे हैं। एक हत्या के मामले में तो दूसरा किडनैपिंग केस में जेल में बंद था। फरार कैदी पंकज रुड़की का रहने वाला था, जो हत्या के मामले में जुलाई 2023 से आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। दूसरा फरार कैदी राजकुमार यूपी के गोंडा का रहने वाला था, जो अगस्त 2024 से अपहरण के मामले में जेल में बंद था। वहीं कैदियों के फरार होने के बाद मौके पर वरिष्ठ अधिकारी भी पहुंचे और किसकी लापरवाही है इसकी जांच चल रही है। सुबह करीब 6:30 बजे के आसपास कंट्रोल रूम के माध्यम से पुलिस को सूचना मिली थी कि दो कैदी यहां जेल से कल शाम के समय रामलीला यहां पर एक कार्यक्रम चल रहा था, उसका फायदा उठाते हुए कंस्ट्रक्शन साइट से एक सीढ़ी को उठा के और दीवार फांसते यहाँ से निकले हैं। इसमें एक जो कैदी है वो 302 के मुकदमे में सजायाफ्ता है पंकज, और एक कैदी उसमें अपहरण के मुकदमे में अभी अंडर ट्रायल चल रहा है। इन दोनों की तलाश हम लोगों के द्वारा की जा रही है और जो धारा संबंधित जो धाराएं हैं उसमें अभियोग पंजीकृत थाना सिकुल में किया गया है। हमारी टीम इसके सर्चिंग के लिए लगातार हम लोग लगे हैं और जल्दी ही इसमें रिजल्ट इसमें दिया जाएगा। हरिद्वार से पंजाब केसरी टीवी के लिए राजकुमार पाल की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।